पेशेंट लोग आते हैं कैंसर पेशेंट लोग ट्रीटमेंट करने के लिए एक महीना डेढ़ महीना दो महीना जो रहते हैं वो हम लोग का ये भवन गोरखा सम्मेलन का तरफ से उन लोगों को फ्री दिया जाती है, उन लोगों से एक रुपया पैसे भी ले नहीं जाती है। और नेपाली ट्रेडिशनल में क्या क्या मिलता है? हम लोग नेपाली में जो गुंद्रुक बोलते हैं वो मिल जाता है जी। और चिकन मछली जो भी जैसे कस्टमर को लेते हैं हम वैसे बना के दे देते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी, होप करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मजे में होंगे। गाइस, अभी हो रहा है सुबह का टाइम, सुबह का लगभग 7 बज चुके हैं। हम आए थे नीचे चाय पीने के लिए, देख ही सकते हो गाइस मेरे पीछे गोरखा कैंटीन, उधर सिस्टर लोग भी चाय पी के बैठ रहे हैं, यहाँ पर देख ही सकते हो गाइस। एक्चुअली हम आए हुए हैं गुवाहाटी पे, आप सभी को बता दूं कि अभी हम लोग गुवाहाटी पे स्टे कर रहे हैं। स्टे कहाँ कर रहे हैं यहाँ पर देख ही सकते हो, असम गोरखा सम्मेलन, मणि कुमार सुब्बा, के बी बेनर्जी पथ, पल्टन बाजार। गाइस, गुवाहाटी तो हर कोई आना चाहता है, कोई काम के लिए, कोई घूमने के लिए, कोई मेडिकली, किसी भी वजह से गुवाहाटी आना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहला एक जरूरी बात रह जाती है कि आए तो आए लेकिन रहे कहाँ, स्टे कहाँ करे। तो गाइस यहाँ पर देख ही सकते हो असम गोरखा सम्मेलन, यहाँ पर आके भी आप सभी स्टे कर सकते हो। इसलिए हम लोग आज का वीडियो दिखाने जा रहे हैं गोरखा सम्मेलन, यहाँ पर देख ही सकते हो कुछ इस तरह का रोड देखने के लिए मिल जाएगा आप सभी को, यहाँ पर देख ही सकते हो। तो गाइस चलिए रिसेप्शन में भैया जी से बात करते हैं, आप सभी को डिटेल्स में बताते हैं कि इसका प्रॉपर लोकेशन कहाँ पर है और कितना रेंज में मिलने वाला है आप सभी को रूम। तो सबसे पहले तो भैया जी को नमस्ते। नमस्कार। तो भैया जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम अमर इमान। तो भैया जी आप इस भवन का लोकेशन बता दीजिए सबसे पहले। तो इस भवन का लोकेशन है पल्टन बाजार स्टेशन से नजदीक में है, और स्टेशन का सामने से आपका करीब पैदल आने से आपका आधा घंटा लगेगा और गाड़ी रिक्शा में आने से 20 मिनट लगेगा। तो यहाँ में हमारा रहने का लिए उपलब्धि है, कम खर्चा में अच्छा फैसिलिटी है, और हमारे यहाँ में बीमारी लोग जो पेशेंट लोग आते हैं कैंसर पेशेंट लोग ट्रीटमेंट करने के लिए एक महीना डेढ़ महीना दो महीना जो रहते हैं वो हम लोग का ये भवन गोरखा सम्मेलन का तरफ से उन लोगों को फ्री दिया जाती है, उन लोगों से एक रुपया पैसे भी ले नहीं जाती है। लेकिन उसके लिए भी बीमारी लोग भी हमें काफ़ी बैठता है समय समय में, और ऊपर में रूम रहे रूम में भी कम पैसा में डबल रूम ट्रिपल रूम डॉर्मेटरी सिस्टम का बेड है, लेटरिन बाथरूम है, पानी का अवेलेबल है, लाइट वगैरह है, इसमें कम खर्चा में बसने के लिए कम जो सीधा साधा आदमी के लिए सुविधा है इस भवन में। इस भवन पहले से ऐसे चालू हो रहा है, अभी फिर चालू होते जा रहा है, और हम लोग यहाँ में आदमी लोगों जितना भी हो जो सौंपूंगा उन लोगों को सेवा करने के लिए तैयार है। आप सभी ने सुनी लिया भैया जी ने जो बताया, जो भैया जी जितना हो सके उतना पब्लिक को सेवाओं में जुटे हुए हैं। तो भैया जी इसमें इस भवन में कितना रूम होगा लगभग? इसमें रूम हम लोग को ज्यादा नहीं है, लेकिन आदमी लोग आने से क्या होगा, हम लोग बोल मिलजुल के रहने से बोलने से 30-40 आदमी का कैपेसिटी का हम लोग रह सकते हैं। रोज 30-40 आदमी रह सकता है। रूम मेड मिला के होगा 10-12-15 जैसे होगा, दो डॉर्मेट्री हॉल है, एक रूम में 7-8 बेड है, और कोई रूम में 2 बेड है, कोई रूम में 3 बेड है, ऐसा करके, लेकिन कम पैसा में अच्छा सुविधा है यहाँ जी। गाइस भैया जी को धन्यवाद, भैया जी को। गाइस हम लोगों को स्टे करने के लिए रूम ही नहीं खाना भी जरूरी है। तो गाइस ऐसा होटल दिखाने जा रहा हूँ गोरखा होटल, जो मणि कुमार सुब्बा जी का भवन का नीचे ही पर है गोरखा होटल, जहाँ पर आप सभी को नेपाली ट्रेडिशनल खाना मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो ये छोटा सा, लेकिन छोटा सा दिखने में छोटा है, लेकिन यहाँ पर आप सभी को हर चीज उपलब्ध करते हैं खाने के लिए, जो हम लोगों ने 2 दिन यहाँ पर खा चुके हैं। यहाँ पर देख ही सकते हो गोरखा कैंटीन, यहाँ पर आप सभी को इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर आप सभी को ट्रेडिशनल खाना भी मिल जाएगा। वहाँ पर देख ही सकते हो बहन लोग भी चाय पी रहे हैं, बहन लोग भाई लोग, यहाँ पर देख ही सकते हो कितना कस्टमर आए हैं, सभी कोई खाना खा लिया ना, कितना कैसा टेस्टिंग है ना, बढ़िया है ना, चाय वे सब बढ़िया है ना, तो देख ही सकते हो। तो भैया से बात करते हैं क्या क्या मिलेगा आप सभी को, रूबरू कराते हैं भैया को। भैया जी नमस्ते। नमस्कार। तो आपका नाम? मेरा नाम चूड़ामणि है। चूड़ामणि, तो क्या क्या मिलेगा यहाँ पर खाने के लिए? चावल मिलेगा, रोटी मिलेगा, परोठा मिलेगा, चाय मिलेगा। हाँ। और नेपाली ट्रेडिशनल में क्या क्या मिलता है? हम लोग नेपाली में जो गुंद्रुक बोलते हैं वो मिल जाता है जी। और चिकन मछली जो भी जैसे कस्टमर को लेते हैं हम वैसे बना के दे देते हैं। हाँ। तो गाइस आप सभी
घर से छूटकर माँ की खाना का याद आ रहा है तो गुंदरुक का याद आ रहा है तो यहाँ पर आके गुंदरुक भी खा सकते हैं, गुंदरुक राइस भी खा सकते हैं। सही बात है ना? हाँ सही बात है। तो जैसे घर में खाना खाते हैं वैसे दे देते हैं, इधर जो बीमारी रहते हैं हाँ। उन लोग को भी अच्छा खाना बना के देते हैं। जी 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 जी। अगर गाइस कोई पेशेंट है मेडिकल के लिए आए हैं, कोई पेशेंट है उन लोगों को भी उसी तरह से चावल थोड़ा बहुत गीला करके वैसा भी दे देते हैं भैया लोग। सही है ना? हाँ सही है सही। तो गाइस यहाँ पर देख ही सकते हो आप सभी को हर चीज का सुविधा उपलब्ध कराते हैं यहाँ पर गोरखा भवन पे। यहाँ पर जस्ट सिस्टर लोग चाय पी के बैठ रहे हैं यहाँ पर। तो गाइस आप सभी को बोला था कि रूम में भी दिखाऊंगा, तो चलिए रूम की ओर बढ़ते हैं। वहाँ गाइस जो ये रूम देख रहे हैं, ये रूम हम लोगों ने लिए काफी साफ सुथरा और हर चीज का सुविधा, जो मच्छर के लिए मच्छरदानी उन्हें लाइट वेट फैन उन सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। काफी कम रेंज में आप सभी को ये रूम उपलब्ध हो जाएगा। थोड़ा बहुत रूम गंदा करके रखे हैं हम लोगों ने, यहाँ पर देख ही सकते हो बैग रखे हुए हैं। तो गाइस इसको इग्नोर करिएगा जो हम लोगों ने थोड़ा बहुत गंदा किया है। तो गाइस देख लिया होगा आप सभी ने मणि कुमार सुब्बा जी का भवन असम गोरखा सम्मेलन। तो गाइस होप करता हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। गाइस अगर आप सभी को इस भवन का कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए तो मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा। अगर आप इस भवन में आना चाहते हो तो उस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके आ सकते हो। धन्यवाद।